ये क्वेश्चन है, फंक्शन का काफी स्टैंडर्ड है, भले ही जेईई एडवांस 2020 में आया था, लेकिन इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो मेंस में भी एक दो बार यूज हुआ है। एक बार पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ये है, फंक्शन जो है देखो बहुत स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स, ए की पावर 2x अपॉन ए की पावर 2x प्लस ए, इस टाइप से। ठीक है, सेम क्वेश्चन एक बार मेंस में भी आया था एक बार। तो इसका हिंट ये है, इस तरह की वैरायटी जब भी आती है, और देखो आपको एक कोई ना कोई एक सीरीज टाइप की पूछी हुई है, तो आपको बस इसमें करना क्या है, एक बार आप इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका सम निकालो एक बार कितना आ रहा है, चेक करो। एफ एक्स और एफ ओ 1 माइनस एक्स, इसका सम निकाल के देखो, निकाल पाओगे? बोलो, यस सर, यस निकालो, निकाल, ट्राई करो एक बार और बताओ इसका सम कितना आ रहा है। फंक्शन आपको दिया हुआ है, उसी में एक्स की जगह एक्स 1 माइनस एक्स रख के कैलकुलेट करो सम कितना आ रहा है। सर 1 आएगा क्या? वेरी गुड। देखो अब एफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2, हाँ है ना, बोलो जवाब दो। यस सर, और 1 माइनस x में क्या हो जाएगा, जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस x। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके देखते हैं। तो अगर आप सिंपलीफाई करके देखोगे, देखो अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, 4 की पावर 1 माइनस एक्स को लिखने का क्या तरीका हो जाएगा बताओ? 4 अपॉन 4 की पावर x। हाँ वेरी गुड, 4 अपॉन 4 की पावर x, और ये भी कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 4 की पावर, पावर सब्सट्रैक्ट हो रही तो डिवाइड हो रहे होंगे, हाँ है ना। यस सर, यस सर, चलो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, एक्स अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। यहाँ पे आप देखो एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम आ जाएगा डिनोमिनेटर में 4 की पावर x। ठीक है, तो क्या बचेगा एक बार चेक करेंगे, अगर 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर x, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 4, और फोर, 4 की पावर x दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, यस सर, है ना। आप देखो ध्यान से, 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है ना, नीचे से अगर 2 कॉमन यस ले सर, लोगे क्या बचेगा, 2 प्लस 4 की पावर x, और ऊपर बचेगा 4, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बेस सेम है, ऊपर भी सेम, एडिशन में सेम आएगा, एडिशन टोटल कितना आ जाएगा, 1 आ रहा है। ठीक यस है, सर, तो इस तरह के एक्सप्रेशन का एडिशन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा अब मैंने 1 माइनस एक्स की वजह से सोचा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 1/40 है, और यहाँ पे कितना है, 39/40। ये 1 माइनस 1/40 करूंगा तो ये मिल जाएगा, है ना, तो इन दोनों में डिफरेंस 1 का ही तो है, इसमें से अगर ये माइनस करूंगा तो 1 आ रहा है, बोलो। यस इसमें मैंने सर, 1 माइनस एक्स निकाला, मैं ये देख रहा था कि एक्स और 1 माइनस एक्स इनका सम किसके बराबर होगा। तो देखो ये अगर मान लो इसको एक्स माने, तो ये एफ ओ 1 माइनस एक्स से 39/40 को आप क्या लिख यस सकते हो, सर, 1 माइनस 1/40, है ना। यस सर, तो देखो अगर इसको आप एक्स एज एक्स ट्रीट करोगे, तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स, तो इन दोनों का सम इसके बराबर है, कांस्टेंट 1 के बराबर आ रहा है, हाँ है ना। यस सर, यस सर, ऐसा क्या होता है, ऐसे बनते जाएंगे दो दो पिके पेयर, ये यस फर्स्ट सर, वाला लास्ट, फिर यस आगे से सर, दूसरा, पीछे से दूसरा, फिर आगे से तीसरा, पीछे से तीसरा, तो उन सबका सम कितना आएगा, 1 होता जाएगा। तो बताओ ये सम टोटल कितना बनेगा, 19।
19, वेरी गुड, है ना, क्योंकि देखो समझ पा रहे हो, ये 1 और 39, 2 और क्या आएगा 38, इसमें कैसे लॉजिक लगाएंगे? जैसे मान लो ऐसा सोचो, 1 से लेके ऐसा सोचो, चलो जैसे 1 से लेके 39 तक जा रहा है ना, आपको लॉजिक बनाने में दो दो के कितने पेयर बनेंगे, आप कोई भी दो ऑड नंबर लो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अब देखो बीच में एक बच जाएगा, समझ पा रहे हो? Yes, yes, sir. अगर 1 से 40 होता तो टोटल 40 पेयर बनते, 40 नंबर होता तो 20 पेयर बनता, yes, है ना? Yes, sir. अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अप टू 40 होता, अगर मान लो 1 से लेके 2, 3 अप टू 40 होता तो क्या होता, अपने पास 20 पेयर बनते, पर अभी क्या हो रहा है 1 से लेके 39 तक है, तो टोटल ऑड नंबर है, तो पेयर दो दो के पेयर 38 पेयर बनेंगे और एक नंबर एक्स्ट्रा रह जाएगा, सॉरी 19 पेयर बनेंगे और एक नंबर एक्स्ट्रा, एक सेंटर वाला नंबर एक्स्ट्रा रह जाएगा, तो इसका सेंटर मिडिल टर्म कौन सी आएगी, तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, मान लो अगर ये 1, 2, 3 अप टिल 39 है, तो इसकी मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म कौन सी आएगी, 20, 20, 20. हाँ, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है, मिडिल टर्म निकालने का तरीका, ये तो अपन को स्टैटिस्टिक्स में भी था, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो n प्लस 1/2, यस सर, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 39, 39 बाय 2 कितना, 39 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 20th टर्म, यस सर, तो 20th टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी, तो 20th टर्म होगी आपकी क्या होगी, मिडिल टर्म, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 20th टर्म कहीं ना कहीं बीच में आएगी, क्या होगी बताओ 20th टर्म, सर f 1/2, हां 20 बाय 40 होगा, आया ना, यस सर, बोलो, तो देखो टोटल 39 टर्म्स थी, उसमें से अगर ये मिडिल टर्म को हटा दे तो 38 टर्म्स बची, और 38 के कितने पेयर बनेंगे, 19 पेयर बनेंगे, yes, है ना, तो हो जाएगा 19 प्लस, और ये क्या हो जाएगा f 1/2, 20 बाय 40 कितना हो जाएगा f 1/2, और एक ऑलरेडी एक ऑफ 1/2 पहले से पड़ा हुआ था माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 19, समझ पा रहे हो? यस सर, ठीक है, देखो ये दो दो के पेयरिंग हो जाएगी, 1 के साथ 39 ऐड होगा, 2 के साथ 38 होगा, इस तरह से पेयर करते करते 19 पेयर हो जाएंगे, 19 पेयर मतलब 38 टर्म्स, और एक एक्स्ट्रा टर्म जो बचेगी 1/2 वाली, वो 20 बाय 40 मिडिल टर्म बचेगी, और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ताकि बस सम कितना आएगा 19 आएगा, पक्का क्लियरिटी हुई, बोलो? यस सर, यस सर, ध्यान रखना जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आए fx का 4x/4x+2, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, fx plus fo1-x, इन दोनों का एडिशन कर देंगे, है ना, एडिशन देखोगे तो बहुत स्टैंडर्ड आया, फिर क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, चले आगे बढ़े, यस सर, ओके, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना, अब थोड़ा फटाफट डोमेन रेंज पे क्वेश्चन करके 2024 के भी क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करूंगा, ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे फंक्शन की अपन, जल्दी बताओ तो रेंज निकालने का तरीका क्या होगा, देखो लॉग ऑफ बेस 10 है, लॉग के अंदर जो क्वांटिटी गिवन है, क्या इसके आप रेंज बता सकते हो, इसकी रेंज कितनी होगी लॉग के अंदर बताओ, 2 sin x + 12 कहां से कहां तक लाई करेगा, निकालो सब लोग, 10 to 14, हाँ कहां से कहां तक, 10 से 14, वेरी गुड, देखो ध्यान से कैसे सोचेंगे, sin x आ रहा है, sin x के बारे में हमें पता होता है, yes, कहां से कहां तक लाई करता है, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी में -2 से 2 हो जाएगा, दोनों तरफ 12 ऐड कर दें, आया ना, यस सर, यस सर, पहले ऐड कर दोगे तो 10 बन जाएगा, इधर बन जाएगा 14, तो ये जो क्वांटिटी 10 से 14 तक जा रही है, तो आपका ये जो बेस 10 वाला ये कहां से कहां तक जाएगा, वाई बताओ, वाई निकालना था आपको, क्या करोगे, लॉग ले ले दोनों तरफ, बेस 10 पे बेस ग्रेटर देन 1 है, दोनों तरफ लॉग ले सकते हो, यस सर, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, देखो अगर बेस 1 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन में आप दोनों तरफ लॉग लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन अभी भी वही रहेगा, आपने क्या करा, दोनों तरफ लॉग ले लिया, कोई दिक्कत, नो सर, नो सर, और यही आपका क्या था फंक्शन, वाई लॉग 10 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा लॉग 14, तो आपका जो वाई है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से लेके लॉग 14, तो यही आपकी रेंज हो गई, y की वैल्यू लाई करेगी 1 से लेके log 14 तक, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, यस सर,
चलो आगे बढ़ते, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। एक वैरायटी और आती है, देखो आज जो बेसिक इलस्ट्रेशन है वो मैं डायरेक्ट कराता जाऊंगा आपको, ठीक है, बस उसका तरीका सिखाऊंगा, फिर आपको उन्हीं को बस रिपीट करके घर पे सॉल्व करना है। हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बस जो जो स्टैंडर्ड वैरायटी है ना, उस स्टैंडर्ड वैरायटी को करने का क्या तरीका होगा वो आपको समझना है और उसको दिमाग में रखना है, फिर घर पे आप प्रैक्टिस करना। क्लियर है? जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पे मॉड दिया हुआ, एक बिना मॉड का टर्म है और एक इनइक्वालिटी है, तो 2x माइनस 1 पे मॉड है, प्लस x है और लेस देन इक्वल टू 10 है। इसको सॉल्व करके x मतलब पता करना है कि x कहां से कहां तक लाई करेगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग कैसे करेंगे? दो केस बना लेंगे सर। हाँ वेरी गुड, हमेशा हमेशा जब भी मॉड आता है पहले मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा, मॉड में दो, अब ये वाला मॉड कहाँ पे डिफाइन होगा, किस एक्स पे? 1/2। आपको कंफ्यूजन हो कि ये वाला मॉड कहाँ पे डिफाइन होगा, तो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है उसको कैसे इक्वेट कर दें? जीरो। बोला मैंने पिछली बार भी आपको पता नहीं चल पाता कहाँ से डिफाइन करना, तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो से इक्वेट कर दो, मतलब ये 1/2 पे डिफाइन होगा। अब एक मॉड कैसे ब्रेक होगा 1/2 पे, जब x ग्रेटर देन 1/2 को तो अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, यस सर, है ना, और x जब लेस देन 1/2 का तो अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होगी, नेगेटिव। नेगेटिव बस, तो आपको दो केस में ब्रेक करना इस क्वेश्चन को, पहला व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 उस केस में दो केस बनेंगे ना, ये केस 1 और केस 2। केस 1 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 तो ये मॉड को पॉजिटिव ओपन कर दोगे, और दूसरा केस क्या बनेगा, x लेस देन 1/2 उस केस में ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। यहां से देखो एक आंसर क्या आ जाएगा, 3x लेस देन इक्वल टू 11, x लेस देन इक्वल टू 11/3। यहां से आंसर क्या आ जाएगा, माइनस x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 10, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9। अब मुझे बस ये तरीका ये बता दो, एक चीज आपको उस दिन मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, कि ये कंडीशन और इस कंडीशन का आपस में यूनियन होगा कि इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन बताया था, सेम केस में क्या होता है, इंटरसेक्शन है ना? यस यस सर। क्योंकि दोनों का सेटिस्फाई होना, ये कंडीशन हो रही तभी हम ये लिख पा रहे, तो दोनों का सेटिस्फाई होना जरूरी, इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन, और यहाँ पे भी इन दोनों का आपस में क्या होगा, इंटरसेक्शन है ना? बोलो। यस यस। और ये दोनों केस, केस 1 और केस 2 का आपस में क्या होगा, यूनियन ले लोगे। तो सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन ले रहे, यहाँ पे बोला है ग्रेटर देन 1/2, यहाँ पे बोला है लेस देन इक्वल टू 11/3, तो इंटरसेक्शन क्या जाएगा, कॉमन इंटरसेक्शन 1/2 से 11/3। यस सर, है ना, यहाँ पे क्या लोग इंटरसेक्शन, एक सेम केस में आपस में इंटरसेक्शन लेते हैं, यहाँ पे बोला है 1/2 से छोटा, यहाँ पे बोला 9 से ज्यादा, तो 9 से ज्यादा 1/2 से छोटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 9 से 1/2। यस सर। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में क्या ले लोगे आप, यूनियन। तो फाइनल आंसर कैसे लिखते, स्टार्टिंग माइनस 9 से 11/2। हाँ, ये 1/2 दोनों में आ रहा है, ये क्लोज ब्रैकेट है 1/2, 1/2 को इंक्लूड करना है, कहां तक जाना है, 11/3 तक। क्लियर है? यस सर। तो ध्यान रखना, एक सिंगल मॉड आता तो पहले डिफाइन कर लो, अलग अलग सॉल्व कर लो, और इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अब ये वाला चीज किसी और के अंदर भी मिक्स होकर क्वेश्चन में आ सकती है, बस बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन? नो सर। नो सर। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व करो, कभी कभी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पर फास्ट, ये भी करा रखा है क्लास में।
हाँ क्या करोगे सर? फ्रैक्शन पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एक्स लिखेंगे। हाँ अब देखो यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में लिख तो दोगे, लेकिन देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है फाइनली, है ना। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर की आपकी वैल्यू आ गई एक्स के टर्म्स में, लेकिन उसको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर पूरी चीज मैंने फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में कन्वर्ट कर दी, तो फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में मुझे एक चीज पता होती है कहां से कहां तक लाई करता है, बताओ। 0 to 1। तो इस वाले क्वेश्चन में सबको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि मुझे ये चीज पता है, इस कंडीशन को मैं यूज कर सकता हूँ एक्स निकालने के लिए। अगर सबको मैंने फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे, ठीक है, ताकि फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर आ जाए। अब देखो यहाँ से क्या होगा, x माइनस वन इक्वल टू थ्राइज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो आ जाएगा x माइनस वन बाई थ्री। क्लियर हुआ? यस सर। अब ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देना कि ये वैल्यू मेरी लाई करेगी 0 से लेके 1 के बीच में, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? आई बात समझ में? Yes, sir. तो ध्यान रखना, जनरली तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, पर यहाँ पे एक्स में कंडीशन डेवलप करनी थी, और फ्रैक्शनल पार्ट की कंडीशन में मुझे पता होती है, तो फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये तरीका अपना लिया। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ ध्यान से यहाँ पे क्या करेंगे, चलो सॉल्व करो जल्दी से, एक बार आपको चांस दे रहा हूँ। फाइनल आंसर एकदम एक्यूरेट आना चाहिए, 30 सेकंड का समय आपके पास, आप खुद से सॉल्व करो, फाइनल आंसर मुझे निकाल के बताओ क्या आएगा। गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में। हो गया सर? 1 to 4 सर, 1 to 4, 1 से 4, सबका ये आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा आसान था, अच्छा दोनों ही केस में आ रहा है। चलो क्या करा आपने, सर लॉग की 10 को उधर भेज सकते हैं? यस सर। 10 को अगर आप उधर भेज दोगे, चलो सॉल्व किया हुआ है, 10 को उधर भेज दोगे तो 1 हो जाएगा 10 की पावर 0 1, हाँ है ना? यस सर। यस सर। 10 को उधर भेज देना सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 5x माइनस x स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 5x माइनस x स्क्वायर बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और 10 उधर, ये उधर जाके 40 हो जाएगा, यहां से आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनी, और दूसरी कहां से क्या बनेगी? सॉरी, अच्छा 0 है, हां हां 1 कर दिया मैंने, सॉरी 10 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? यस। एक इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी, और कौन सी इक्वेशन बनेगी इसके अलावा? एक और कंडीशन लिखाओगे ना, बताओ क्या? ये लॉग के अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव होना। हाँ देखो ये भूलना नहीं है, ये जनरली इसलिए जानबूझ के आपको टाइम दिया था कि बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं कि लॉग की डोमेन भी तो याद रखना है सर, लेकिन वो तो इसी कंडीशन में आ जाएगा ना, क्योंकि हमने ग्रेटर देन वन लिया है। आ जाएगा, बिल्कुल वो आ जाएगा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, इस केस में आ रहा है, लेकिन बहुत सी बार आता नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ना, यहाँ पे खैर ग्रेटर देन वन है तो 0 से बड़ा होगा ही सही, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वहां से भी आंसर सेम आएगा,
लेकिन फिर भी अपन को आदत अपनी बना के रखनी कि लॉक की डोमेन भी ध्यान रखना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ पे इस बार केस में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वाला जो केस है ग्रेटर देन जीरो, तो ऑलरेडी अपन ग्रेटर देन वन सॉल्व कर चुके हैं, तो दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। वन और टू का इंटरसेक्शन लोगे तो वही आएगा। सेकेंड वाला से आंसर आएगा जीरो से पांच, इसका आंसर आएगा वन से चार, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा वन से चार। क्लियर हुई बात? यस सर। अब यहाँ पे बताओ क्या क्या बोलो, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन बता दो, पूरा सॉल्व नहीं करना है। बताओ क्या दो कंडीशन कौन कौन सी अप्लाई होगी? अंडर रूट के अंदर वाली टर्म किसी होगी, इसके अलावा एक और क्या बोलना पड़ेगा, एंड लॉक के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव। ये वही क्वेश्चन एक्चुअली, वापस आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है? यस सर। यस सर। अब एक पीरियोडिक क्वेश्चन पे, पीरियोडिक पे क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान से, आप ही लॉजिकली बताना, आप ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। देखो आप मुझे बस बोलते जाओ, एफ एक्स जो पीरियड है, एफ एक्स जो फंक्शन है उसका पीरियड है सेवन। एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका पीरियड कितना दिया हुआ है, सेवन। अब यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, एफ एक्स आ रहा है और एफ ओ एक्स बाई थ्री आ रहा है, ये दो तरह के टर्म्स आ रही, तो इनका पीरियड निकाल रहा है। तो एफ एक्स का पीरियड तो सेवन है, तो एफ ओ एक्स बाई थ्री का पीरियड कितना होगा? सेवन ही होगा। सोचो 21। क्या सिखाया था, याद है कॉन्सेप्ट? सही बताया। क्या कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसका पीरियड अगर टी है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड कितना होता था, याद आ रहा है? भूलो मत, टी बाय मॉड ए, अगर एक्स का कोएफिशिएंट ए है तो पीरियड में ए से डिवाइड होता था। ये कैसे भूल गए आप लोग, ये बताया था, बताया। बोलो तो फिर, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का पीरियड कितना है, टू पाई। मैं पूछता हूँ साइन थ्री एक्स का पीरियड कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, टू पाई बाई सिक्स, टू पाई बाई थ्री, सॉरी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी सेम, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो एफ ऑफ एक्स बाई थ्री का पीरियड क्या होगा, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, वन बाई थ्री है, तो वन बाई थ्री से क्या कर दोगे, डिवाइड। इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 21। ये बात समझ में आई? यस सर। अब जी एक्स पे आते, जी एक्स का पीरियड कितना दिया हुआ है, 11। तो जी ऑफ एक्स बाई फाइव का पीरियड कितना होगा, 11 बाय 1 by 5, that is 55, yes, yes, sir. अच्छा, अब जो capital FX question में describe किया गया है, उसके बारे में सोचते हैं। capital FX के बारे में बोला गया है, ये क्या है, FX plus g of x by 5 minus gx into f of x by 3, ठीक है? अब आपको ये बताओ मुझे, क्या लॉजिक सिखाया, जब दो फंक्शन एडिशन में होते हैं या सब्सट्रैक्शन में होते हैं, इसका पीरियड मान लो है t1, इसका पीरियड मान लो t2, तो इस पूरे का पीरियड कैसे निकालते थे सर, HCF? नहीं 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 नहीं, HCF थोड़ी लोगे, ऊपर वाले की क्या LCM? LCM लेंगे, t1 और t2 का क्या लोगे, LCM। लॉजिकली सोचो ना, ये पहला बोल, ऐसा सोचो कि मान लो पहला फंक्शन हर चार इंटरवल के बाद बढ़ता जा रहा है, दूसरा वाला फंक्शन हर तीन इंटरवल के बाद बढ़ता जा रहा है, दोनों साथ में कब आपस में बढ़ेंगे, तो एलसीएम ही तो लोगे। यस सर। यस सर। बेसिक कांसेप्ट एलसीएम का भी तो यही होता है, एक एक स्कूल में फर्स्ट एक बेल लगती है आधे आधे घंटे बाद, दूसरी बेल लगती है 45 मिनट बाद, दोनों बेल साथ में कब बजेगी, जब एलसीएम लेंगे उसका, है ना? यस सर। ठीक है, तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा एफ एक्स और एफ ओ एक्स बाई फाइव का पीरियड क्या होगा प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, इनका पीरियड भी प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो एफ एक्स का पीरियड कितना है, सेवन। तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं मिटा के लिख रहा हूँ, सेवन इंटू ये कितना, 55। यहाँ आ जाएगा 7 into 55, और यहाँ पे बताओ कितना आएगा, 11 into 21। तो फाइनल आंसर आपको कितना आएगा, एलसीएम ऑफ ये जो भी नंबर आएगा उसका और इसका एलसीएम ले लोगे। क्लियर है? यस सर। एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, हो जाएगा? यस सर।
ठीक है, तो ध्यान रखना ये सिखाया था एड फंक्शन में कोई भी नंबर ऐड करने से पीरियड में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर x के क्वेश्चन को a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पीरियड a से डिवाइड हो जाता है, ये चीज अब याद रखना, क्लियर है? यस सर। यस सर। अगला बेसिक कांसेप्ट, ये आपको दिया हुआ है f माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी से s तक, बोला गया अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो s क्या होगा, तो ऑन टू की कंडीशन बता दो, बोलो ऑन टू की कंडीशन सर, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन और रेंज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हाँ है ना? यस सर। कोडोमेन क्या है क्वेश्चन की, क्वेश्चन की सर ऑल रियल नंबर नहीं, कोडोमेन ये तो डोमेन होती है, एस ये होती है ना कोडोमेन, जो निकालनी है। यस सर। याद रखना हमेशा फंक्शन में स्टार्टिंग में जो देते हैं वो डोमेन, बाद में होती है वो कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या गिवन है, एस और रेंज। अब रेंज निकालनी पड़ेगी, अब क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं, अपवर्ड पैराबोला है तो कहां से कहां तक होगी रेंज, तरीका बताया था क्वाड्रेटिक की रेंज माइनस डी बाय 4 ए से इनफिनिटी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, माइनस डी बाय 4 ए से इनफिनिटी याद आ रहा है, अपवर्ड पैराबोला, लोवेस्ट वैल्यू माइनस डी बाय 4 है, मैक्सिमम जाएगा इनफिनिटी तक, कर लोगे आप सॉल्व? यस सर। वेरी वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। देखो ये भी एक बहुत मतलब एक थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी, क्या दिया है देखो, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स प्लस एफ ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, पूछा कि एफ एक्स की रेंज क्या होगी, एफ एक्स की क्या पूछी रेंज, अब आप मुझे बस ये पहले वो चलो बाद में सोचेंगे, पहले मुझे ये बताओ, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, एक ही इक्वेशन गिवन है, ओनली वन इक्वेशन, इस इक्वेशन की मदद से मुझे एफ एक्स कैलकुलेट करना है या फिर कोई भी मतलब कुछ भी एक चीज कैलकुलेट करनी है एफ के टर्म्स में, कैसे सोचे, या फिर मान लो एफ ऑफ साइन एक्स कोई भी एक किसी एक को एलिमिनेट करना है, मान लो यहाँ पे देखो साइन एक्स यहाँ पे कॉस एक्स है, तो किसी एक को एलिमिनेट करके एफ ऑफ साइन एक्स निकालना है, मान लो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मेरे को बताओ कैसे भी करके मैं एफ ऑफ साइन एक्स कैसे निकालू इस इक्वेशन की मदद से, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, मतलब इस तरह का नहीं आया था, उसमें ये लॉजिक था कि आपको ये दिया हुआ था एफ एक्स दिया हुआ था और एक दिया हुआ था ट्वाइस ऑफ एफ वन बाई एक्स इक्वल टू मान लो थ्री एक्स प्लस, एक इक्वेशन थी, बोलो इसको बोलो कैसे बताओ एफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो क्या तरीका अपनाते थे याद आ रहा है सर, चेंज कर देते वो x की जगह x 1 by x, हां जब भी ऐसा, हां वेरी गुड, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ ओ 1 by x दिया हुआ है और आपको एफ एक्स पता करना है, एक ही इक्वेशन है तो x की जगह रिप्लेस कर देते 1 by x, याद आ रहा है दो इक्वेशन बनता थी उसमें 1 by x को एलिमिनेट कर देते, यस सर याद आ रहा है, कराया था क्वेश्चन कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन है एफ एक्स में दिया हो और एफ ओ 1 by x में क्वेश्चन दिया हो और आपको एफ एक्स निकालना है तो x की जगह रिप्लेस कर दो 1 by x पूरे क्वेश्चन में और सिंप्लीफाई कर लो, अब देखो यहाँ पे साइन कॉस को तो रिप्लेस नहीं कर सकते लेकिन साइन को कॉस में बदलने का तरीका क्या होता है, एक्स की जगह क्या लिख दें ताकि साइन कॉस में बदल जाए, कॉस साइन में बदल जाए, 90 माइनस एक्स, बहुत बढ़िया, अगर एक्स की जगह मैंने पाई बाई टू माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया पूरे एलएचएस आरएचएस दोनों में, अब कोई भी फंक्शन जो होता है ना उसमें एलएचएस आरएचएस दोनों जगह रिप्लेस कर सकते हो तो ये फंक्शन नया क्या बन जाएगा, एफ ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स, यस सर, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद है कि नहीं, यस सर, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई है, अब इसमें से कोई भी एक निकालना है, मान लो एफ ऑफ साइन एक्स निकालना, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन से एफ ऑफ साइन एक्स कैसे निकालोगे सर, ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देंगे, एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, मान लो कॉस को एलिमिनेट करना तो कॉस का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1, तो ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दें, यस सर, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दे, इसको एक काम करो ऐसे लिखो, ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर है 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड से सबट्रैक्ट कर दोगे तो cos x एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4, ये ऑलरेडी 1 है तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, f ऑफ sin x इक्वल टू ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस पाई बाई 2 माइनस x, यस सर, तो यहां से आपके पास f ऑफ sin x आ जाएगा, यहां तक समझ में आया, यस सर, कितना आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा 3x
प्लस पाई बाई टू और वन बाई थ्री उधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब निकालना क्या था, एफ एक्स की रेंज निकालनी थी, क्या निकालनी थी? अब यहाँ पे अपने पास एफ ऑफ साइन एक्स आया, अब एफ एक्स कैसे निकाले एफ ऑफ साइन एक्स की मदद से? सर साइन इनवर्स रखेंगे, साइन इनवर्स हाँ रख सकते हो, या फिर देखो आपको सिंगल वेरिएबल में चाहिए ना तो एफ ऑफ टी निकाल लो, है ना, एक्स साइन एक्स की जगह टी पुट अप कर दो, और या फिर एक्स की जगह साइन इनवर्स रख दो, है ना, रख सकते हैं क्या? बोलो, देखो एक मिनट इसका नया पेज ऐड करो, आप तब तक सॉल्व करो, आगे सोचो तब तक मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ। सर वैसे लास्ट स्टेप में साथ माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा सर, 1 by 3 3x minus pi by 2 आएगा ना? हाँ हाँ माइनस कर देना, देख लेना जो भी लिखा, चलो आपके पास क्या है, एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री एक्स माइनस पाई बाई टू, ये था? यस सर। यस सर। अब मुझे एक्स में कंडीशन चाहिए, किसमें चाहिए, एक्स में, है ना? यस सर। तो आप चाहो तो इसको सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए मान लो इसको टी मान लिया, तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स टी, है ना, या फिर x की जगह जहां जहां भी x उसकी जगह आप साइन इनवर्स x भी रख सकते हो, एक ही बात है, क्लियर है? यस सर। या तो x की जगह साइन इनवर्स x रख दो, यहाँ पे अगर x की जगह साइन इनवर्स x रख दोगे तो यहाँ पे भी वो साइन इनवर्स x में बदल जाएगा, क्लियर है? यस सर। जो भी सही लगे आप कर लो, या फिर साइन x की जगह t पुट अप कर दो, आपका फंक्शन सिंगल एफ टी में आ जाएगा, तो एफ ऑफ टी कितना आ जाएगा, वन बाई थ्री थ्री टाइम्स साइन इनवर्स टी माइनस पाई बाई टू, तो हो जाएगा एफ ऑफ टी, ये वन बाई थ्री को अंदर भेज दो, साइन इनवर्स टी माइनस पाई बाई सिक्स, क्लियर हो गया? यस सर। अब टी में लिखो एक्स में लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब एक्स की जगह यू वी डब्ल्यू कुछ भी वेरिएबल है तो वेरिएबल से कुछ फर्क थोड़ी पड़ता, तो यहाँ पे मान लो टी की जगह वापस एक्स रख दो, अपन को तो इसकी रेंज निकालनी कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, बोलो? यस सर। अब यहाँ से पता कर लो रेंज, रेंज पता करने के लिए आपको पता है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, इसमें से पाई बाय सिक्स सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना, पाई बाय सिक्स सब्सट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, मेन स्टार्टिंग स्टेप था, ये दो तरीके याद रखना ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो, क्लियर हो गया यहां तक? बोलो यस सर। यस सर। यस सर। अब थोड़े 2024 के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन थोड़े मैं करवा रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस कम हुई थी तो इसलिए ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, गिवन डेटा उतार रहा हूँ, आप लोग भी देखो, गिवन डेटा में ये है एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है 2x plus 3 upon 2x plus 1, दूसरा फंक्शन gx दिया हुआ है mod x plus 1 upon 2x plus 5, fx दिया हुआ है gx दिया हुआ है, दोनों की डोमेन रेंज वगैरह पता है, कोडोमेन डोमेन, पूछिए कि फॉक की डोमेन क्या होगी, f of gx जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या होगी, तो क्या सीखा है बताओ, इसकी डोमेन कैसे पता करेंगे, क्या कौन सी दो कंडीशन डिपेंड करेगी, बोलो कौन सी दो चीज देखोगे, देखो एफ ऑफ जी एक्स की डोमेन पता करनी है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जी एक्स का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ सबसे पहले एक्स किसके अंदर जा रहा है, जी के अंदर जा रहा है तो जी एक्स डिफाइन होना चाहिए, यस सर, है ना, सबसे पहले तो x किसके अंदर जा रहा है, g के अंदर, तो g तो डिफाइन होना चाहिए, तो पहली चीज तो क्या होना चाहिए, gx शुड बी डिफाइंड, है ना? यस सर। क्या लिख दोगे यहां से, कंडीशन क्या आ जाएगी, gx क्या ये है, तो gx के केस में क्या होगा, 2x plus 5 should not be equal to 0,
यहां से क्या बोल दोगे x should not be equal to minus 5 by 2, ये समझ में आया? Yes sir. और एक और क्या कंडीशन होगी? देखो ये तो आपने g के अंदर x रख दिया, अब ये जो gx वैल्यू देगा ये भी तो f के अंदर अलाउड होनी चाहिए. Yes sir. Yes, sir. ना? अब ये पूरा के पूरा gx किसके अंदर जाएगा? f के अंदर जाएगा. Yes sir. Yes sir. जब इसके अंदर gx जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बोलो. Yes sir. देखो ये f of gx क्या बनेगा, बेसिकली आपको यहाँ पे लिख लो, बोलिए f of gx क्या बनेगा, 2gx plus 3 upon 2gx plus 1, ये बनेगा f of gx. Yes sir. ये जहां जहां भी x है उसकी जगह gx आ जाएगा तो ये बनेगा. तो अब ये भी तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, हाँ है ना? Yes sir. Yes sir. तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है. क्वेश्चन टफ नहीं आएगा ऐसे में. देखो मैंने बताया था आपको, जब भी कंपोजिट क्वेश्चन आएगा बस ये दो केसेस आपको ध्यान रखना, gx should not be equal to minus 1 by 2, gx मतलब mod x plus 1 upon 2x plus 5 should not be equal to minus 1 by 2. अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको आंसर मैच करना. ये बात समझ में आई कि नहीं, बोलो? Yes sir. Yes, sir. अब यहाँ पे मॉड आ गया, आपको मैंने बता रखा कि मॉड आता है तो दो केस बना लेना, पॉजिटिव नेगेटिव वाले, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ध्यान रखना डोमेन कैसे निकाला. एक तो मैंने क्या कंडीशन बोले, पहली चीज तो g के अंदर जो x जा रहा वो डिफाइन होना चाहिए और gx जो fx के अंदर जा रहा वो डिफाइन होना चाहिए, दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लो. ठीक है, कर लोगे सॉल्व. सॉल्यूशन दे रखा है, एक बार ट्राई कर लेना. सॉल्यूशन मैंने आपके लिए रख रखा है इसमें. ठीक है. Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन पे आया था, देखो ध्यान से एक बार. fx दिया हुआ, gx दिया हुआ है, पूछा जो फंक्शन फॉग होगा उसकी रेंज क्या होगी. तो पहले मैं आप चाहता हूँ एक बार आप लोग ट्राई करें, फॉग निकालो. रेंज और डोमेन तो बात की बात है, पहले फॉग निकालो. फॉग फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, एक्स की कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, एक बार खुद से ट्राई करो फॉग कैसे निकलेगा. फिर मैं सीखूंगा फॉग को निकालने का. जब भी फंक्शन ऐसे ब्रेक होता है उस केस में कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं ये मैंने सिखाया था क्लास में, एक बार आप ट्राई करो, नहीं आएगा वापिस समझा दूंगा. सर 0 to 1. ठीक है, देखते हैं फॉग क्या बना आपका फंक्शन. फॉग सर जो इक्वेशन बनी है, फॉग की क्या बनी है, दो कंडीशन सर, 2 - 2x + -1 और 1 - x/3. अच्छा अच्छा वेरी गुड. ठीक है, अब ध्यान से सीखना, मैं सिखा रहा हूँ एक बार. मेन ये फॉग निकालना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ये एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे रेंज निकालना नहीं सिखाना, रेंज तो बहुत आसान निकल जाएगी लेकिन फॉग निकालने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए. और मैंने क्लास में से क्वेश्चन कराए थे, आज भी दो क्वेश्चन में कराऊंगा, एक बार ध्यान से सीखना. देखो ध्यान से, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, अब फॉग निकालने का क्या तरीका था सुनना. आपको f के अंदर gx रखना है, f के अंदर क्या रखना है gx, तो जहां जहां भी f के अंदर x है उसकी जगह gx आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, ऊपर वाला 2 + 2 gx और नीचे वाला क्या बन जाएगा 1 - gx/3 और जहां इधर इधर भी x की जगह gx आ जाएगा
थोड़ा सा मैं प्रॉपरली साइड में लिखता हूँ. फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स. इसमें किसी को कोई डाउट तो प्लीज अभी क्लियर करो. एनीवन? ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या है, अगर जी एक्स अकेला होता तो डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर देते जी एक्स की, लेकिन जी एक्स भी ब्रेक हो रहा है दो 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 टुकड़ों में, है ना. तो कौन सा वाला जी एक्स पुट अप करना, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ये सोचना पड़ेगा. अब वो भी डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना. अगर एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है तो ये वाला जी एक्स रखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है तो ये वाला जी एक्स रखेंगे, और यहाँ पे दो जगह जी एक्स आ रहा है. अब कौन सा जी एक्स रखना है ये हमें नहीं पता, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डेवलप करनी पड़ेगी एक्स में कंडीशन कि एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा. समझ आ रहा है कि एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आप जी एक्स कौन सा पुट अप करोगे. अपन को क्या गिवन है, जी एक्स में कंडीशन गिवन है. मुझे यहां से किस में कंडीशन डेवलप करनी, एक्स में कंडीशन डेवलप करनी. अगला टारगेट स्टेप वन तो ये हो गया, इजी था. स्टेप वन में आपको क्या करना है, जहां जहां भी एक्स था उसकी जगह आपने जी एक्स रख दिया, कोई दिक्कत नहीं. तो जी एक्स में कंडीशन बन गई. अब इस जी एक्स से मुझे एक्स में कंडीशन निकालनी है. आ रही बात समझ में? यस सर. यस सर. और चीजें किस पे डिपेंड कर रही, जी एक्स पे. तो जी एक्स से अगर वो माइनस वन से जीरो के बीच में हुआ तो ये वाला फंक्शन होगा पूरा, और जी एक्स की वैल्यू अगर जीरो से थ्री के बीच में तो ये वाला फंक्शन कंसीडर करेंगे. तो जी एक्स से ग्राफ पे सब चीजें डिपेंड कर रही. तो अब अपन जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. जी एक्स का ग्राफ देख लेते हैं और देखते हैं कि जी एक्स जो है माइनस वन से जीरो में के लिए एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है, और जी एक्स की वैल्यू जब जीरो से थ्री है तब एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है. तो ये एक्स एक्सिस और ये फंक्शन आपका ग्राफ जी एक्स का. तो जी एक्स के ग्राफ के बारे में क्या बताया गया था, माइनस तीन से जीरो में क्या है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स. वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन याद है कैसी होती है, ऐसी है ना. यस माइनस तीन पे वैल्यू प्लस तीन हो जाएगी. एक्स की जगह माइनस तीन रखोगे तीन, जीरो पे जीरो. जीरो से वन में वाई इक्वल टू एक्स, तो जीरो से वन में ये है ना. यस सर. ये आपका ग्राफ है, जी एक्स का ग्राफ बना दिया. अब जी एक्स में देखो कंडीशन क्या गिवन है. सबसे पहली कंडीशन, जी एक्स जब माइनस वन से जीरो के बीच में होगा, तो ये जी एक्स जब माइनस वन से जीरो, तो माइनस वन से जीरो में कोई ग्राफ है क्या? No, जब जी एक्स की वैल्यू माइनस वन से जीरो उस समय कोई ग्राफ है क्या इस कंडीशन में? यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कंसिडर नहीं होगा, मतलब ये तो चलो पूरा ही हट गया. दूसरा, जब जी एक्स जीरो से तीन के बीच में, देखो ये माइनस तीन पे वैल्यू तीन आएगी, तो जी एक्स जब जीरो से तीन के बीच में उस समय ये वाला ग्राफ है, और यहाँ पे एक्स में क्या कंडीशन है, एक्स में क्या कंडीशन है, ये एक्स की कंडीशन से जहां पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन, है ना. यस सर. इस वाले केस में जी एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा, और इस वाले केस में जी एक्स की जगह एक्स आएगा. तो एक्स की कंडीशन कहां से कहां तक ब्रेक होगी बताओ? वेरी गुड. एक्स की कंडीशन कहां से कहां तक ब्रेक होगी, माइनस थ्री से जीरो और जीरो से वन. सही बात समझ में? यस सर. माइनस तीन से जीरो में, माइनस तीन से जीरो में जी एक्स क्या है? अब आप वैल्यू पुट अप कर दे, आप कौन सा ये फंक्शन कंसीडर करना है आपको, है ना. तो फाइनली फॉग का आंसर लिख रहा हूं मैं आपको ऊपर, फाइनल आंसर लिख रहा हूं, देखो आंसर. तो फॉग के बारे में मैंने क्या देखा कि ये वाला केस तो पूरा ही रिजेक्ट हो गया, यहां से कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, वन माइनस जी एक्स बाई थ्री है ना. यस सर. दोनों ही केस में क्या है, वन माइनस जी एक्स बाई थ्री, और यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्स कहां से कहां तक, माइनस तीन से जीरो और जीरो से वन. माइनस तीन से जीरो में जी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एक्स. माइनस एक्स. माइनस एक्स. वेरी गुड. एक सेकंड. और जीरो से वन में जी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स. पॉजिटिव एक्स. तो आपका आंसर क्या आएगा, वन, ये माइनस एक्स रखोगे तो वन प्लस एक्स बाई थ्री और वन माइनस एक्स बाई थ्री. ये कब, माइनस तीन से जीरो के लिए और ये जीरो से वन के लिए. ये आपका फाइनल आंसर.
समझ में आया? यस सर यस ये फॉग निकला बच्चों, ये तरीका आपको आना चाहिए। अब क्वेश्चन आप और मॉडिफाई हो सकते हैं, फॉग के बारे में आपको और भी चीजें पूछ सकते हैं, पूछेंगे बताओ फॉग 1 1 ऑन 2 है, फॉग की डोमेन बताओ, फॉग की ये वैल्यू बताओ, f ऑफ x में x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा, मतलब कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। मेन आपको अगर दो फंक्शन इस तरह से ब्रेक हो रहे हैं तो फॉग निकालने का तरीका क्या होगा, ये स्टेप्स होगी। स्टेप 1, सबसे पहले तो f की जगह gx रख दो, फिर इस gx की कंडीशन को आपको देखना पड़ेगा कि जब gx -1 से 0 तो तब x क्या होगा, जब gx 0 से 3 में तो तब x क्या होगा। जब तक आप x में कंडीशन नहीं पुट अप करोगे तब तक आप gx की वैल्यू नहीं रख सकते। ऐसे क्वेश्चन क्लास में करा रखे तो एक बार वो प्रैक्टिस कर लेना, क्लियर है? यस सर। अब आप कुछ भी मत करना, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना या फिर इसमें वैल्यू रख रख के देख लेना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, आया ना? यस सर। यस सर। f का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 से 1 आ जाएगी, ठीक है? तो मेन तो ये था कि फॉग कैसे निकालना है, ये ध्यान रखना। इसके बाद आप फॉग x का ग्राफ ड्रॉ कर लेना या फिर वैल्यू रख के देख लेना कहां से कहां तक जा रहा है। क्लैरिटी आ गई? यस सर। अब एक और वैरायटी जो लास्ट ईयर आई थी, अगर मान लो इस बार आए तो आप कैसे सॉल्व करना वो सिखा देता हूं। एक एक करके इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले fx के बारे में देखो, fx क्या दिया हुआ, एक फंक्शन दिया fx ही है, पूछा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ will intersect x-axis। एक कोई function है fx, तो इसका graph x-axis को कितनी जगह पे कट करेगा ये पूछा गया है। तो बताओ कैसे बताओगे, सोचो थोड़ा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 15 सेकेंड का। आप बस मुझे इतना बता दो कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है fx, सिर्फ अब बाकी क्वेश्चन को भी मत पढ़ो, सिर्फ इतना मुझे बताओ ये फंक्शन दिया हुआ fx जो कि 2 की पावर x माइनस x स्क्वायर, ये x एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा ये पता करना है। तो आप क्या लॉजिक सोचोगे या आप अपने दिमाग में एक बार सोचो। सर जब f of x 0 होगा, कोई नहीं बोलेगा जब मैं पूछूंगा तब, मैंने बोला 15 सेकंड बाद, सब लोग सोचो अपने अपना, अभी कोई नहीं बोलेगा, सब लोग सोचो, खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप करो, सब लोग ट्राई करो। ये जो फंक्शन है ये x एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा ये हम कैसे सोचेंगे।
ठीक है सॉरी बच्चों, हाँ बताओ कैसे पता करेंगे? डेरिवेटिव सर जब f ऑफ x जीरो होगा। हाँ लेकिन आप इसको जीरो से इक्वेट तो कर दोगे, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करोगे? मान लो आपने जीरो से इक्वेट कर दिया, चलो ठीक है, तो टू की पावर x इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसके सॉल्यूशन कैसे निकालें, कितने सॉल्यूशन होंगे? ग्राफ बनाए। वेरी गुड। हाँ ये दोनों ग्राफ आपको बोला ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो चलो आपने जीरो से इक्वेट कर दिया, जीरो से इक्वेट करोगे तो आपस में इक्वल होगा। अब ये दोनों चीज आपस में इक्वल कितने पॉइंट पे होगी ये पता करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो दोनों के ग्राफ ड्रॉ करोगे तो टू की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होगा पता है ये? यस सर। यस ठीक है, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? ये दोनों ग्राफ आपस में कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दो जगह। ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल होंगे, दो पॉइंट पे एक्स की दो वैल्यू पे ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक तो एक्स को आप टू रखोगे, देखो टू रखने पे दोनों इक्वल होंगे, और हो सकता है एक वैल्यू फोर रखने पे, तो टू और फोर पे दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली एक्स एक्सिस को टू पॉइंट पे कट करेगा, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब दूसरा पूछा था इसका डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव होगा ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। यस सर। और दूसरा क्या हो जाएगा? टू एक्स। अब इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। अगेन देखो ये तो कॉन्स्टेंट है, टू की पावर एक्स का ग्राफ तो वैसा के वैसे ही रहेगा, है ना? यस सर। और दूसरी जो लाइन है माइनस टू एक्स, सॉरी जैसे इसको आप जीरो से इक्वेट कर दो तो टू की पावर एक्स इक्वल टू टू एक्स हो जाएगा। अब टू एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा? यस सर। यस सर। तो दोनों कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे? कुछ गड़बड़ होगा कि एक बार चेक करना। ये कितना था? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, है ना? टू की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा बना दिया आपने, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बना दिया, दोनों आपस में इक्वल दो पॉइंट होंगे, तो यहाँ से तो दो आ रहा है। दूसरा बोला था कि एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा टू की पावर एक्स इंटू लॉग टू माइनस का टू एक्स। इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो टू की पावर एक्स इंटू लॉग टू, हाँ इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा एक बार किसका ग्राफ कैसे कट होगा। इसका आंसर पे पांच कैसे आ रहा है? पांच आ रहा है आपका सर? सर ये क्वेश्चन ना असाइनमेंट में भी था। अच्छा, तो ना मैंने ग्राफ देखा था, तो जो 2x का ग्राफ है ना वो थोड़ा और बेंड होता है, तो तीन जगह कट करता है। चलो y equal to 2x का ग्राफ बना दे, मान लो थोड़ा सा y equal to x का ग्राफ वैसा होता है, 2x का ग्राफ y एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, हाँ है ना? यस सर। ये है मान लो, ये हो गया y equal to 2x का ग्राफ। और दूसरा जो है ln 2 into 2 की पावर x, ये कैसा होगा? ये तो मान लो, चलो आपने मान लो बैंड भी कर दिया तो दो जगह ही कट करना चाहिए, तीन जगह कैसे कट कर रहा है? लेफ्ट वाला शायद तीन, नहीं पहले वाला जो जिसमें पैराबोला है उसमें तीन जगह कट कर। अच्छा ये वाला ग्राफ मैंने, हाँ हाँ ये थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ना, हाँ सही बताया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपका तीन जगह कट कर सकता है, सही बताया। ऐसा होता है एक्सपोनेंशियली जो बढ़ता है? यस सर। ठीक है, तो ये आपका एक दो और तीन, एक फोर पे भी आएगा ना, एक्स की जगह फोर रखने पे, हाँ है ना? यस सर। एक फोर पे, एक टू पे, और दूसरा आप शायद क्या बता रहे थे, एक और कोई पॉइंट आएगा नेगेटिव में, ठीक है? तो यहाँ पे तीन हो गए और इधर के फिर दो पॉइंट आएंगे, क्लियर है? तो यहाँ के दो पॉइंट, यहाँ के तीन पॉइंट, टोटल पॉइंट कितने हो गए? पांच। आई बात समझ में? अरे बोलो। यस सर।
फर्स्ट ग्राफ फिर से समझा लीजिए, फर्स्ट ग्राफ फिर से समझा। देखो जो 2 की पावर x होता है, एक सेकंड की खाली जगह है, ये थोड़ा एक्सपोनेंशियल ग्राफ अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो अपन एक जल्दबाजी में फ्लुएंटली ऐसा बना देते हैं, लेकिन वो एकदम स्टीपली बढ़ता है चीजें। देखो ध्यान से, 2 की पावर x का ग्राफ बना लो। अब देखना, सोचना ध्यान से, x जब 0 तो वैल्यू 1 है, 1 के बाद वैल्यू डबल हो जाएगी, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 2 हो जाएगी, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू इसकी डबल 4 हो जाएगी, समझ आ रहा है, और फिर 8 हो जाएगी। आपका जो ग्राफ होगा समझा, इस तरह से स्टीपली बढ़ जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, समझ आ रहा है। x की पावर 10 पे वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी 500,000 में, है ना, समझ पा रहे हैं, जैसा ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा वो यहाँ पे बन नहीं रहा है ऐसे। ऐसे और दूसरा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर के टर्म्स में बढ़ेगा, ठीक है। अब ये जो दोनों ग्राफ है, बेसिकली ये दोनों आपस में फिर से इंटरसेक्ट करेंगे मुड़ने के बाद आगे जाके, समझ आ रहा है, एक वहां पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और ऐसे भी लॉजिकली भी दिख रहा है, 2 पे और 4 पे दोनों जगह इंटरसेक्ट करते हैं, और एक नेगेटिव में तो इंटरसेक्ट करना ही है, और एक 2 पे इंटरसेक्ट करेगा 4 पे, तो इसके 3 पॉइंट हो गए, इसके 2 पॉइंट हो गए, टोटल पॉइंट कितने हो गए, 5। आई बात समझ में? यस यस सर। अब एक स्टैंडर्ड डोमेन रेंज पे काफी क्वेश्चन आते हैं, बस इसका तरीका बता दो मुझे जल्दी से। इस वैरायटी में बहुत क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ, मैं थोड़ा प्रॉपरली लिख देता हूँ, ये दिया हुआ है, इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे बोलो, बताओ जल्दी से, क्या दो कंडीशन क्या क्या होगी, फटाफट बताओ, पूरा सॉल्व मत करो, लॉग के अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होगा, और ये हां कॉस इनवर्स वाला सर -1 से 1 के बीच में होगा। लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है इसको ग्रेटर देन 0 करोगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन आए इस पे, मतलब 2024 इसी साल लास्ट ईयर जेई के पेपर में डोमेन रेंज पे इस वैरायटी में बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनवर्स का अप्लाई कर दोगे, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे, दोनों आंसर का आपस में ले लेना इंटरसेक्शन, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग को सॉल्व करना है, क्लियर हो गया सर? ये कॉस इनवर्स 0 टू पाई होगा? यस सर। हां सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कह रहे? नहीं नहीं नहीं, अरे कॉस इनवर्स थोड़ी, आपको कॉस इनवर्स के अंदर इनपुट तो -1 से 1 होता है ना, आउटपुट थोड़ी बात कर रहे हैं। यस सर। यस सर। यस सर। तो फिर डोमेन की बात हो रही है। चलो अब एक और वो कंपोजिट वाला क्वेश्चन है, एक और आया था देखो लास्ट ईयर, मैं चाहता हूँ इस बार फिर से आप ट्राई करो, अभी जो सिखाया था तरीका याद है? यस सर। यस सर। एक बार फिर से कोशिश करो, नहीं आएगा फिर समझा दूंगा, एक बार अपनी तरफ से फिर से कोशिश करो।
चलो करें, किसी का आंसर आया? बोलो देखो, g ऑफ एफ एक्स तो जहां जहां भी x है उसकी जगह fx आ जाएगा, g के अंदर जहां जहां भी x उसकी जगह fx आ जाएगा, ये समझ में आया पहला स्टेप? बोलो दूसरी कंडीशन fx less than 0. अब कंडीशन fx पे, लेकिन मुझे किस में लानी है? x में लानी है? यस सर. मुझे किस में लानी? x में कंडीशन. तो x में कंडीशन लाने के लिए पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि fx पॉजिटिव किस x के लिए है, कहां कहां पे fx पॉजिटिव है और कहां कहां पे fx नेगेटिव है. तो देखो ध्यान से, अब हमन fx का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो fx का ग्राफ देखो, fx कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव, ये तो ग्राफ देख के पता चलेगा. यस सर. तो मैं fx का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं. तो fx का ग्राफ के बारे में क्या बोला, जब x ग्रेटर देन 0 है तो log x का ग्राफ आएगा, तो ये ग्राफ, और जब x लेस देन 0 तो e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x याद है, देखो ये e की पावर x होता तो e की पावर माइनस ऐसे उल्टा बनेगा, हाँ है ना? यस सर. यस सर. तो बच्चों ये fx का ग्राफ है. अब देखो कंडीशन समझना अच्छे से. सबसे पहली कंडीशन, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो fx पॉजिटिव कहां पे, तो पॉजिटिव वाला ग्राफ कौन सा है? ये वाला, e की पावर माइनस. यस सर. पॉजिटिव कहां कहां पे, यहां पे भी और यहां पे भी. ग्राफ दोबारा समझा दो. ग्राफ एक तो log x का ग्राफ है, log का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है. हां. और e की पावर एक माइनस x का ग्राफ कैसा होता है? सर नीचे की तरफ होता है. ये वो ग्राफ होता है e की पावर माइनस x का. यस सर. क्लियर है? ग्राफ याद होने चाहिए. ग्राफ याद नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा. ये होता ग्राफ आपका वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स का. ये ग्राफ होता है ए की पावर माइनस एक्स का. इसको भी थोड़ा और सही कर लो. याद रखना ये दो ग्राफ होते हैं, ये जीरो. तो जब x लेस देन 0 है तो आपको ये वाला ग्राफ कंसीडर करना है. तो क्या बोला गया, जब x की वैल्यू लेस देन 0 तो e की पावर माइनस x ग्राफ, तो लेस देन 0 के लिए e की पावर माइनस x ग्राफ, सिर्फ लेस देन 0 वाला पार्ट में. क्लियर हो गया? यस सर. जी सर. तो ये ग्राफ हो गया आपका fx का. अब बोला गया है कि जब वो पॉजिटिव है तब x की वैल्यू क्या, पॉजिटिव कहां पे fx, x एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है? ये वाला x एक्सिस के ऊपर. यहां पे fx क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना? बोलो. यस सर. यस सर. अब x की इंटरवल कहां से कहां तक ब्रेक हो रही है आपको ये देखना है. x की इंटरवल देखो, यहां ये माइनस इंफिनिटी से 0 तक ये वाला ग्राफ है, और फिर 1 से इंफिनिटी तक ये वाला ग्राफ है. तो आपको x की इंटरवल तोड़नी पड़ेगी कहां से कहां तक, रेड वाला पोर्शन के लिए माइनस इंफिनिटी से 0 तक और 1 से इंफिनिटी तक. आ रही बात समझ में? यस सर. यस सर. fx पॉजिटिव कौन से रीजन में है, जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0, एक तो इस वाले रीजन में और 1 से इंफिनिटी में. तो आपके x की इंटरवल दो जगह टूटेगी. हम नेगेटिव का सोचते हैं कि fx नेगेटिव कहां पे. तो देखो ग्राफ नेगेटिव कहां पे, यहां पे. यस सर. इस रीजन की में x की कंडीशन क्या है, 0 से 1. 0 से 1 बस एक ही कंडीशन है ना? यस सर. यस सर. अब देखो फाइनली आपका गॉफ बन जाएगा. ताकि बस तीन इंटरवल आ रही है, माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी. माइनस इंफिनिटी से 0 में ये वाला होगा fx. गॉफ किसके बराबर, fx के बराबर है ना? और fx क्या है, माइनस इंफिनिटी से 0 में fx की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस x. देखो
जब ये वाला है तो इस केस में वैल्यू क्या है, इसके बराबर एफ एक्स के बराबर, इस केस में एफ एक्स कितना है, e की पावर माइनस एक्स है, जीरो से वन, जीरो से वन में क्या था, ये e की पावर एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है जीरो से वन में, ये वाला एफ एक्स क्या है लॉग एक्स है, लॉग एक्स जाएगा e की पावर लॉग एक्स वन से इंफिनिटी में, वन से इंफिनिटी कौन सा, ये वाला मैं कौन सा फंक्शन लेना है, एफ एक्स, और एफ एक्स के वन से इंफिनिटी में लॉग एक्स, यही बात समझ में, यस सर, यस सर, आपका जो गॉफ आएगा ये तो एक्स आ जाएगा है ना, यस सर, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स और लॉग एक्स, ये तीन ग्राफ बनेगा, तो वापिस बना रहा हूँ इधर, आपका जो गॉफ का फाइनल आंसर आया, पहला बना था ई की पावर माइनस एक्स, अब इसके बारे में बोला गया था, पूछा गया था कि वन वन और वन टू होगा कि नहीं होगा, और ये देखो ये भी आर से आर, ये भी आर से आर, तो गॉफ भी आपका आर से आर, तो सबसे पहले वन वन के बारे में चेक करते हैं, तो चाहो तो ग्राफ देख के भी वन वन बता सकते हैं, वापस इसका गॉफ का ग्राफ ड्रॉ कर लो, देखो ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, तो ये होगा, जीरो से वन में वाई इक्वल टू एक्स है, तो ये होगा, और वन से इन्फिनिटी में लॉग एक्स का ग्राफ है, तो ऐसा जाएगा एक्स इक्वल टू वन पे जीरो, और लॉग एक्स का ग्राफ याद है ना ये, यस सर, यस सर, तो आपका फाइनल ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा क्या है फिर ऐसा है? मतलब अच्छा ये चाहे तो क्वेश्चन डिसकंटिन्यूटी पूछ सकता है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो क्या बोलते हैं दो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है ना, यस सर, अब इस ग्राफ को देखिए बताओ क्या ये वन वन है, नो सर, नो सर, मैनी वन हो जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक से ज्यादा जगह कट करेगी, यस सर, इसकी रेंज बताओ, रेंज क्या है ग्राफ को देख के, अरे ग्राफ से इनफिनिटी, जीरो से इनफिनिटी आ रही है ना, रेंज ये थी कोडों में, ये थी तो रेंज और कोडों में इक्वल नहीं है, तो क्या बोलोगे ऑन टू के इनटू, इनटू वन ऑन टू होगा क्या, नहीं होगा, तो ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है, तो नाइदर वन वर नॉर ऑन टू, क्लियर हो गई, यस सर, देखो मैंने कहा था कंपोजिट पे क्लास में भी कराया था क्वेश्चन, और अभी भी दो क्वेश्चन और करा दिए थे, इनको एक बार और घर पे प्रैक्टिस करना, तीन लोगों, क्लियर है, यस सर, यस सर, इस साल वापस से ये क्वेश्चन अभी बताया था, एफ एक्स निकालने का तरीका, एक्स रिप्लेस बाय वन बाय एक्स, जगह वन बाय एक्स, एक्स की जगह रिप्लेस कर देना वन बाय एक्स, और वन बाय एफ ओ वन बाय एक्स को एलिमिनेट करके एफ एक्स निकाल लोगे, हाँ है ना, यस सर, यस सर, चलो एक लास्ट के दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं फिर एंड करेंगे, इसकी डोमेन निकालो, मैं फंक्शन वापस लिख देता हूँ अच्छे से, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अगले लेक्चर में लेंगे कभी, और आज सिर्फ ये दो क्वेश्चन करके एंड कर देते हैं, ओके सर, इसकी डोमेन निकाल लो एक बार, करो खुद से ट्राई प्रॉपरली,
बताओ तरीका क्या होगा? बोलो, रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ये कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। हां, अब देखो डिनोमिनेटर में यूं तो रूट के अंदर ऐसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में इसलिए सिर्फ क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन 0। ये सबने सोच लिया था? यस सर, यस सर। अब इसमें दिमाग लगाना है तो इसके पहले फैक्टर बनाओ, क्वाड्रेटिक के तो फैक्टर बना लोगे? यस सर। 5 2 10 यस सर। जब तक फैक्टर नहीं बनेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और एक लास्ट क्लास में तरीका भी बताया, इसके फैक्टर बन जाएंगे एक तो -5 और एक +2, आया ना? यस सर। देखो क्वेश्चन टफ नहीं आते, बस बेसिक प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली ट्राई करना है। कभी भी देख क्वेश्चन को देख के घबरा जाओगे तो टफ ही लगेंगे। अब देखो ये कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, इसके 0 कहाँ पे हो रहे हैं? -2 और 5 पे। यस सर। प्लस माइनस प्लस कौन सा रीजन चाहिए? पॉजिटिव। तो क्या आएगा? -∞ से -2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x से या तो वो -2 से छोटा हो और या फिर 5 से ज्यादा हो। क्लियर हुआ? यस सर। अभी पिछली क्लास में बताया था आपको मैंने कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर -2 से छोटा है तो -2 से छोटे में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कौन कौन सी आएगी? -3, -4, -5 एंड सो ऑन, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कौन कौन सी आएगी? -3, -4 एंड सो ऑन अप टू -∞। तो लोवेस्ट मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी? -∞। यस यस, है ना? Yes. और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? -3 तक। अब -3 बनने के लिए x की वैल्यू क्या कहां तक जाएगी? -3 बना रहा था। -3 कब बनता है? -2.4 पे भी -3 बनता है, -2.1 पे भी -3 बनता है, है ना? यस सर। -2 तक जाएगा ओपन ब्रैकेट। और मैं देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -2, तो लेस देन -2 में कौन कौन से आएंगे? -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम तो -3 होगा, और -3 कब बनेगा? जब वैल्यू -2 से कम होगी, है ना? यस सर। मिनिमम -∞ तक। अब इसके बारे में सोचते हैं, ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 में कौन कौन सी वैल्यू आएगी? 6, 7 अप टू इनफिनिटी, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा? इनफिनिटी तक। इनफिनिटी तक। अब 6 बनने के लिए x ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए 6 कब बनेगी? जब वैल्यू कहां से कहां तक लाई करे, मतलब 6 बनने के लिए 6 से ज्यादा होनी चाहिए 6.01 से। यस सर, है ना? स्टार्टिंग का आंसर कुछ से ज्यादा ही होगा। बोलो। यस सर। अब आंसर क्या जाएगा? -∞ से -2 यूनियन 6 से इनफिनिटी, ऑप्शन नंबर डी। देखो जेई का क्वेश्चन था, फंडामेंटल क्लियर होंगे तो चीजें होगी। एक तो फैक्टराइजेशन करवाए, दूसरा ये फंडामेंटल पूछ लिया है ना, इन दोनों का यूनियन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? यस सर। ओके ग्रेट। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत फंडामेंटल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एक बार देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है। gx दिया हुआ है, और fog दिया हुआ है। तो पूछा fx क्या होगा, fx निकालना है। क्या तरीका होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? इस बार कंपोजिट जनरली निकालते हैं, gx दे दिया, fog दे दिया, पूछा fx क्या होगा। करो कोशिश, fx निकालो और फिर जो भी fx आएगा उसमें x की जगह 0 रख दो।
सर 5 आ रहा है. 5 आ रहा है. देखो अब देखो तरीका सीखो बच्चों. फॉग दिया ना था, फॉग मतलब f के अंदर gx रखना पड़ता है. यस सर. तो f ऑफ gx की वैल्यू आ रही है x plus 3 minus root x. gx मतलब root x plus 1 है ना. यस सर. अब देखो ये फंक्शन root x plus 1 का है तो मुझे यहाँ पे भी root x plus 1 क्रिएट करना पड़ेगा. सॉरी यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, रूट एक्स प्लस वन एल एच एस में तो है रूट एक्स प्लस वन, आर एच एस में रूट एक्स प्लस वन क्रिएट करूंगा. और जैसे पिछली बार क्या था एफ ऑफ साइन एक्स वाला, साइन एक्स की जगह टी पुट अप कर देते, वैसे रूट एक्स प्लस वन की जगह टी पुट अप कर देंगे सिंगल वेरिएबल. हाँ है ना. यस सर. तो सबसे पहले आपको रूट एक्स प्लस वन क्रिएट करना पड़ेगा. तो कर दो क्रिएट कैसे भी करके. तो आप चाहो तो यहीं से लिख लो पहले रूट एक्स प्लस वन को, मान लो आपने टी मान लिया. ठीक है तो यह क्या जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल टू, यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा t माइनस वन का होल स्क्वायर है ना. अरे t माइनस वन प्लस थ्री माइनस रूट एक्स, रूट एक्स मतलब t माइनस वन. समझ में आया. यस सर. यस सर. इसको सिंपलीफाई करोगे माइनस का 2t माइनस का t माइनस का 3t, यहाँ पे प्लस वन प्लस थ्री, थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस वन फाइव. वेरी गुड. तो ये f ऑफ t आ गया. अब t की जगह क्या रख दे, जीरो रख दे. ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब कर लोगे. yes, sir. जो क्रिएट करना है वो फंक्शन क्रिएट कर दो या फिर उसकी जगह टी मान लो. हाँ बोलो सर. एक बार रिपीट. ओके सर. ठीक है. देखो जी एक्स दिया हुआ था, एफ एक्स दिया हुआ था, समझ में आया. यस सर. सॉरी जी एक्स दिया हुआ था, फॉग दिया हुआ था, एफ एक्स नहीं दिया हुआ था. एफ एक्स निकालना था तो फॉग का मतलब क्या होता है, f के अंदर gx रखना है. यस सर. और gx क्या था क्वेश्चन में, रूट एक्स प्लस वन. अब मुझे यहाँ पे सिंगल वेरिएबल f ऑफ x चाहिए था, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल चाहिए था तो मैंने क्या करा, इसको t मान लिया. इस पूरे फंक्शन को क्या मान लिया, t, ताकि यहाँ पे f ऑफ t क्रिएट हो जाए. है ना. यस सर. अब जहां जहां भी x था उसकी जगह क्या रिप्लेस होगा, अगर x रूट एफ रूट एक्स प्लस वन को आपने t माना तो रूट एक्स कितना हो जाएगा, टी माइनस वन. स्क्वायरिंग कर दोगे तो एक्स कितना आएगा, टी माइनस वन का होल स्क्वायर. तो जहां जहां भी एक्स था उसकी जगह टी माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया. और रूट एक्स की जगह क्या लिख देंगे, टी माइनस वन. माइनस वन. तो ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ टी बन गया. ये एफ ऑफ टी आ गया. ये क्या आ गया, एफ ऑफ टी. अब क्वेश्चन पूछा था जीरो पे वैल्यू बताओ, तो आपने टी की जगह जीरो रख दोगे. यस सर. तो 5 हो जाएंगे. क्लियर हो गया. यस सर. यस सर. ओके. तो बच्चों मैंने फंक्शन आपको रिवाइज करा दिया है. अब मैं ये नोट्स आपको अभी ग्रुप में भेज दूंगा और इसके साथ साथ पीवाईक्यू की एक शीट भी भेज दूंगा. लेकिन देखो पीवाईक्यू की वो शीट है उसमें पिछले 10-15 साल के सारे ही पीवाईक्यू हैं. आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप सारा कर पाओ. ठीक है. कुछ मैंने 2024 के तो करवा दिए. कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं कि जिस तरह की वेरायटी मैंने कराई है फंडामेंटल है, कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना. बस ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करना. थोड़ा बहुत क्वेश्चन वेरायटी आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहो तो उससे प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट अगला लेक्चर जो भी हम लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं कल लेक्चर लूंगा आपका तो टाइम बता दूंगा, कल हम लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फिनिश कर देंगे. क्लियर है. यस सर. ओके सर. ओके थैंक यू. सॉरी फेस्टिवल में आपकी क्लासेस ले रहा हूँ मैं, पर थोड़ी सी मैथ्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी. ठीक है. चलो ओके. बाय. गुड नाइट. हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग सर.